जिनकी भूमिका होगी, ऐसे गोपाल शेट्टी जी, सागर जी यहां पर उपस्थित, विनोद छिलर जी, योगेश वर्मा जी, हमारे विवेक जी, हमने आज सबसे पहले यहां पर नमो टी स्टॉल का उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन इसलिए किया कि जिस समय मणिशंकर अय्यर ने यह कहा कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो मोदी जी ने जवाब दिया, देश बेचने वालों से चाय बेचने वाला अच्छा होता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब भी यह है, हमारा संदेश है वोट फॉर इंडिया। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे शख्स है जिन्होंने ये कहा, दल के लिए नहीं देश के लिए, परिवर्तन को देश में साकार करने के लिए केवल आप ही इस देश को संवार सकते हैं, देश में परिवर्तन कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए आप सब मिलकर दौड़िए, आप सब मिलकर वोट कीजिए और देश में परिवर्तन लाइए। इतना ही आपसे निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। कार्यक्रम शायद लगभग 10 बजे पूरा हुआ होगा, बैंड्रा का कार्यक्रम, फिर वापस मुंबई आए और सवेरे 6:30 बजे हम सबके पहले यहाँ पर योगेश वर्मा जी और उनके सभी साथी पदाधिकारियों ने जिन्होंने दौड़ के आयोजन किया है, ऐसे सारे लोगों को हमारे बहन रानी द्विवेदी जी जो महाराष्ट्र युवा अपने दौड़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं देवेंद्र फडणवीस जी और विवेक ओबेरॉय जी से मेरे सभी कार्यकर्ताओं से विनती है, स्पेशल चिल्ड्रन के साथ स्पेशल गेस्ट, आप सबको दौड़ना है। आ गया टू वन गो।
धीरे 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 स्पेशल चिल्ड्रन का हौसला बढ़ाने के लिए गोपाल शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, देवेंद्र फडणवीस और इस दौड़ के आयोजक योगेश वर्मा जी, मुंबई के उपाध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर, संजय मैडम को भी बोल दो सबसे पहले तो मैं ये बहुत इसका क्रेडिट देना चाहूंगा गोपाल भाई को और योगेश भाई को, इन्होंने मिलके सारे वॉलंटियर्स ने मिलके ये जो एक रन फॉर योर कंट्री एक बढ़िया सा एक प्रोग्राम आयोजित किया है जिसमें सारे यूथ जो है पूरे भारत के जो युवा है, और युवा सिर्फ वो नहीं है जो उम्र में युवा है, युवा वो है जो सोच में युवा है, जिनके लिए हम जिसके विजन के लिए हम लड़ रहे हैं, वो भी सोच में भारत के सर्वप्रथम युवा हैं नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र भाई आए। अभी आपने गोपाल भाई ने इनका शेड्यूल सुनाया तो मैं भी चौंक गया, मैं भी इनसे पूछ रहा था कि आप क्या खा रहे हो मुझे भी बता दो, मतलब हम 24 घंटा ऐसे शूटिंग नहीं कर पाते हैं जैसे ये भ्रमण कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो देख रहा हूँ कि जो बीजेपी की पूरी टीम है, वॉलंटियर्स से लेके आम लोगों से लेके जो लीडर्स हैं, उन सब में इतनी ऊर्जा भर दी है नरेंद्र मोदी जी ने, तो मैं सोचता हूँ कि अगर वो इस बार प्रधानमंत्री बने और करोड़ों लोगों का सपना अगर पूरा हो तो आप सोचिए कि देश में कितनी ऊर्जा होगी। जो आज के भारत के युवा हैं अक्रॉस द कंट्री बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत निराश हो गए हैं, पिछले 10 सालों में बहुत निराश हो गए हैं, तो उनमें एक नई आशा जागृत करने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए ये दौड़ लगाई है। एक सिंबॉलिक दौड़ है और हम चाहते हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो भारत भी पूरे विश्व के आगे इसी तरह आर्थिक क्रांति में दौड़े और जहां हमारा सर्वप्रथम स्थान होना चाहिए वहां वापस एक स्थान बने। विवेक, विवेक,